देखो मुझे तुम्हारे पतला हुआ अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है सुपर, पर तुम्हारी ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ये क्यों गुस्से में मुंह फुला रखा है तुमने? पहले जब तुम मुंह फुलाती थी तो प्यार से फुलाती थी ना, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम फुग्गी रखा था। मेरी फुग्गी नहीं हूं मैं, आपकी फुग्गी। ना तो मैं आपकी फुग्गी हूं ना ही चश्मिश, कोई नहीं हूं मैं आपकी। अब तुम्हें नाम पसंद नहीं आ रहे होंगे, पर रहोगी तो तुम वही ना जो तुम पहले थी। पहले जैसी नहीं हूं मैं। बताया, दादी कह दी थी कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो हर मौसम में अपना रूप बदलते हैं। कभी हरे भरे होते हैं तो कभी सूख जाते हैं, कभी फल देते हैं तो कभी फूल। रंग बदलते रहते हैं पर होते वही है ना जो वो है। तुम भी प्रज्ञा थी, प्रज्ञा हो और प्रज्ञा ही रहोगी तुम। सही कहा आपने, रूप बदलने से इंसान नहीं बदलता, इंसान वही रहता है, लेकिन उसकी सोच तो बदल सकती है। प्रज्ञा ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे। वो बदल गई क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है, वो नफरत करती है तुमसे। अभी आप कुछ नहीं है मेरे लिए, आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड हैं और कुछ नहीं। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब मेरे मायने बदल गए। मेरा नाम वही है लेकिन अब मेरा काम बदल गया। मेरी जिंदगी वही है लेकिन जिंदगी का मकसद बदल गया। और अब मैं इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हो गई हूँ कि इतना तो मैं जानती हूँ कि आपके लॉस को अपना प्रॉफिट कैसे बनाना है, और मैं बस वही कर रही हूँ। जिन आंखों में आपको प्यार नजर आता था, अब नजर नहीं आएगा। जो फुग्गी आपके बिना जी नहीं सकती थी, आज आपके आसपास होने से भी उसे तकलीफ होती है। आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते या नशे में? आज मैं नशे में होता कम से कम ये सबको एक बुरा सपना समझ के भूल तो जाता ना मैं। बुरा सपना क्या होता है आप नहीं जानते। नींद में देखे होंगे आपने बुरे सपने, मैंने खुले आंखों से देखे। आपके सपने नींद खुलते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे बुरे सपने आज भी। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या हुआ, रुक क्यों गई तुम? पुराने इमोशंस बाहर आ रहे ना तुम्हारे। मुझे पता है तुम अभी मेरी प्रज्ञा हो। मैं नहीं हूं आपकी प्रज्ञा, so stop seeing that. प्लीज मत करो ऐसा प्रज्ञा। जो तुम देखने समझने को कह रही हो वो नहीं हो रहा ना मुझसे। आंखें जो देख रही है दिल नहीं मान रहा, दिल जो कह रहा है वो दिमाग समझ नहीं पा रहा। तुम चाहती क्या हो मुझसे? आपको जो समझना है समझिए, बस मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए, मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। ये घर देखने आए थे ना, तो देखिए और चले जाए। आपका पता नहीं लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है। वक्त के अलावा सब कुछ है मेरे पास। पता है कभी मेरे पास भी सब कुछ हुआ करता था, आज कुछ नहीं है, ये घर भी नहीं। जब बैंक ने मुझसे घर छीना था ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, खुशी खुशी चला गया था मैं, क्योंकि इस घर में ना तुम थी ना मेरी दादी। इस घर की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इस घर से निकलना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें इस घर में देख रहा हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज इस घर को मत बेचो, इस घर को ऑक्शन होने से रोक दो प्रज्ञा, क्योंकि इस घर से हमारी यादें जुड़ी है प्रज्ञा। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर ऐसा क्यों है कि हर अच्छी याद आपसे जुड़ी और हर बुरी याद मुझसे जुड़ी? और तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? कोई चीज नहीं रखना चाहती जो आपसे जुड़ी है, ना ये घर ना इससे जुड़ी यादें। ये घर आज चला जाएगा, और जहां तक यादों का सवाल है वो उस दिन चली जाएंगे जिस दिन आपसे मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। जो कुछ मैंने आपको दिया ना, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ आपने दिया है उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। तुम्हें हिसाब चाहिए ना, और मुझे जवाब। तो जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिलेंगे ना, मैं तुम्हारा हिसाब पूरा ही नहीं होने दूंगा। तुम मुझे पहले बताओ तो सही, क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या किया है मैंने, मेरी गलती क्या हुई है, मुझे बताओ तो सही। मुझे आपसे कोई इमोशनल बात ही नहीं करनी,
क्योंकि हमारे बीच अब कोई इमोशनल रिश्ता है नहीं, और जो है वो आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दी है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। प्रज्ञा ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे। वो बदल गई क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है, वो नफरत करती तुमसे। अभी बदला लेने आई हो तुम मुझसे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ आकर नजर आया कि भाग्य ने तो मेरा काम मेरे लिए पहले से ही कर दिया। मुझे लगा था इन 2 सालों में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके होंगे, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री आपके कदमों में हो, इतनी ऊंचाई तक आप पहुंच गए होंगे कि जहां तक जाना तो दूर, लोग सपने में भी उस ऊंचाई को नहीं देख पाते। फिर उस ऊंचाई से मैं आपको खींच कर नीचे लेकर आती, तब मुझे खुशी मिलती। लेकिन जो इंसान खुद इतना नीचे गिर गया हो, उसे और नीचे कैसे गिरा। तुम मुझे अच्छे से देखने को बोल रही हो ना, पर शायद देख तुम नहीं रही हो। मैं जमीन पर खड़ा हूं, खड़ा नहीं हूं कि उठकर फिर से चल ना सकूं। अरे जमीन पर गिरने का मतलब हारना थोड़ी ना होता है। मैं इस प्रज्ञा मेहरा को नहीं जानता, लेकिन मैं अभिषेक प्रेम मेहरा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने किस्मत से लड़ना बंद कर दिया है, पर भूला नहीं हूं। मैं वो हूं जो अगर किस्मत साथ ना देना तो अपनी किस्मत खुद बना लेता हूं मैं। हाँ, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, पर हिम्मत बहुत है मुझमें, और ये हिम्मत मुझे मिलती है अपने प्यार से। मेरे लिए मेरा प्यार मेरा परिवार है, और अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे, चोट पहुंचाए या उसे मुझसे अलग करने की कोशिश भी करे ना, तो बदलना मुझे भी आता है। और मैं मौसम की तरह नहीं बदलता, मैं उस हवा की तरह बदलता हूँ जो पलक झपकते ही तूफान का रूप ले लेती है और जो चाहे करती है। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि इस घर की नीलामी ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने फायदे के लिए मेरे घर के ऊपर कोई मॉल या कोई बिल्डिंग बनाए, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी यादें हैं। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं सड़क पर आ गया हूं तो टूट जाऊंगा। नहीं, ये वही जगह है जहां से मैंने अपनी शुरुआत की थी। ये चौल, ये बस्ती, ये गलियां, ये मेरी जड़े हैं यार, जो मजबूत है। मैं झुक सकता हूं पर टूट नहीं सकता, इसलिए मैं जब चाहूं ना तुम्हें हरा सकता हूं। तुम्हारा ये गेटअप, बिजनेस सेटअप, मनी, पावर, स्टेटस, सब टेम्परेरी है, क्योंकि तुमने वो सब कुछ ना मुझे नीचा दिखाने के लिए हासिल किया है, और मैंने वो सब कुछ ना खुद को ऊंचा करने के लिए हासिल किया है। अगर तुम मुझसे बदला लेने की सोचोगी ना, तुम्हारा इरादा बदल दूंगा मैं, तोड़ दूंगा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घमंड, और मैं ये ऑक्शन रोक कर रहूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगर इस घर से इतना ही ज्यादा लगाव है तो खरीद क्यों नहीं लेते ये घर? जाओ पैसे कमाओ और खरीद लो इस घर को हमसे। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नौकरी भी कर सकते हो? फिर इतने पैसे कहाँ से कमाओगे? इसलिए इस घर का ख्वाब छोड़ दो, अपने घर जाओ और आराम करो, क्योंकि ऑक्शन तो होकर ही रहेगा। अंजना, मैंने इन्हें इनकी हकीकत बता दी है, तुम इन्हें बाहर का रास्ता बता दो। घर मेरा ही है मैडम, सारे रास्ते पता है मुझे।
मैं आपको इसलिए जाने दे रही हूं क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं कुछ नहीं देखूंगी, ना पास्ट ना प्रेजेंट। जाओ देखो गए कि नहीं गए, और अगर नहीं गए तो सिक्योरिटी बुला लेना। I'm fine. तुमने इसे यहाँ बुलाया क्यों, और क्या जरूरत थी आज के दिन उसके साथ आर्गुमेंट करने की? जरूरी था, उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई और मेरे लिए सब कुछ बहुत क्लियर हो गया। मैं जब इस घर में आई थी मैं इसे 1% भी बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद अब मैं 200% श्योर हूँ कि मैं इस घर को बेचना चाहती हूँ। इस घर की नीलामी होगी, ये घर बिकेगा, क्योंकि अब मैं इस घर को और नहीं देख सकती। नहीं सर, वो एक्चुअली अब मुझे आपको बाहर तक, बाहर जाने का रास्ता दिखाना था ना, मुझे इस घर के सारे रास्ते पता हैं। ये घर ना कभी मेरा हुआ करता। नहीं सर, वो एक्चुअली मैम ने, मैम नाम क्या है तुम्हारा? अंजना। अंजना सच बताओ, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे मैम के साथ कुछ गलत किया? डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग? जवाब नहीं दे सकती, सर तो हिला सकती हो ना? नहीं सर, आप तो प्रज्ञा मैम की हेल्प कर रहे थे, और क्या है ना कि प्रज्ञा मैम को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और वहाँ सुषमा मैम भी आ गई थी, और आप प्रज्ञा मैम को किस भी करने वाले थे, तो ये देख के किसी भी माँ को गुस्सा आ जाएगी कि उनकी बेटी को कोई। तो सुषमा मैम प्रज्ञा की माँ है? हाँ सर। कितने सालों से? यही कोई, ये कैसा सवाल है सर, माँ तो बचपन से ही रहती है। और पति कब से रहता है? पति तो जब से रहता है, जब से शादी होती है, पर आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रज्ञा को कोई किस नहीं कर रहा था, उसका पति किस कर रहा था, और पति क्या है मतलब, किस थोड़ी ना कर रहा था मैं, उसकी जान बचाने के लिए माउथ टू माउथ दे रहा, आई मीन देने वाला था, तुम थी ना वहाँ? मतलब आप प्रज्ञा मैम के? मैम होगी तुम्हारी, मेरी मेम है वो, मतलब वाइफ है मेरी, मैंने उसके साथ कुछ गलत तो किया नहीं ना, अब वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करिए, ठीक करिए क्या वो? सर अब हस्बैंड वाइफ के मैटर में मैं क्या बोल सकती हूं? एग्जैक्टली, जब किसी मैटर के बारे में पता ना उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए ना, तुम इंटेलिजेंट हो करेक्ट, तुम सुषमा मैम के साथ क्या कर रही हो? अभी इतनी छोटी बात तुम समझ गई पर उसे समझ में नहीं आई, आ गई हस्बैंड वाइफ के मैटर के बीच में मटर उगाने। सर आप अपनी मदर इन लॉ के बारे में ऐसे? वो मुझे लाइक नहीं करती तो मैं ऐसे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं सर। नहीं, ओ ऐसे वैसे मत सोचना, मैं उसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें क्या बताओ, तुम क्या समझोगी सास दामाद का मैटर क्या होता है? मैं काम करता हूँ, मैं प्रज्ञा को अकेले में जब मिलूंगा ना तब उससे बताऊंगा। नहीं सर आप अंदर मत जाना प्लीज, क्योंकि अगर सुषमा मैम ने आपको अंदर देख लिया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। अरे रिलैक्स, मैं पहली बार ऑपोजिशन पार्टी में कोई अच्छा इंसान मिला है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो चले गए? यस मैम, ही इज आउट। आर यू श्योर? यस मैम, मैं उन्हें डोर तक लेके गई थी, फिर उन्होंने खुद कहा मैं जा रहा हूँ और अब नहीं आऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मार्कस ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस ऑक्शन में। मेरा नाम है ध्रुव एंड आई विल बी योर ऑक्शनर फॉर टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ इस बंगले के ऑक्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। 5000 स्क्वायर फीट का ये मेंशन, साकेत के बीचों बीच में, इस मेंशन की एमिनिटीज आपको बिग स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। चले गए वो। मैं जाता हूँ। Excuse me, Mr. Saluja? Yeah. Could you tell me guest washroom किधर है? Yes, आगे से जाके। आगे जाके सीधा left, I mean first left. Okay, thank you. कहा था ना मैंने, मेरा घर है, सब पता है मुझे इस घर के बारे में, ठीक है?
अब तो यकीन हो गया ना कि मैं बाहर ही जाऊंगा। पक्का चले जाएंगे ना सर? ऑफ कोर्स बाहर ही जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ मैं। यू नो व्हाट आई डू? नथिंग। कैरम किंग हूँ अपने गली का, बस्ती का नंबर वन कैरम प्लेयर, जिसे रानी कभी मिलती ही नहीं है। पर रानी तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और उस रानी को लेने के लिए पहले मुझे बाहर जाना होगा। मिस्टर सलूजा मेरे घर में आए हैं, मेरा बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो अब टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, बाथरूम टैक्स। इतना आसान नहीं है मुझे पीछा छुड़ाना, वो भी मेरे ही घर में। ये जानते नहीं है कि पानी में मगरमच्छ की पावर और भी बढ़ जाती है। क्या फिटिंग आई है? थैंक यू ब्रदर। तुम यहां ऑक्शन के लिए नहीं, सिर्फ मुझे ये ब्लेजर डिलीवर करने आए थे। This is our beautiful living room, और ये रहा हमारा बड़ा सा शानदार सा किचन। और ये है हमारा शानदार टेरेस। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, मत सोचो। इससे बेटर घर मिलेगा तुम्हें, जहां कोई तुम्हारी फिक्र करने वाला होगा। मैं बस ये सोच रही हूं कि हर झूठ इतना मीठा और हर धोखा इतना खूबसूरत क्यों होता? वो इसलिए कि मीठा सुनने में अच्छा लगता है, और खूबसूरत चेहरे के पीछे राज छुपाना आसान होता है। अब नहीं, अब कोई कितना भी अच्छा लगे, कोई कितना भी खूबसूरत दिखे, भरोसा अब मैं किसी पर नहीं करूंगी। आई होप आप सभी लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑक्शन। बीट अमाउंट रहेगा 100 करोड़ रुपीस। ये इस बंगलो का बेस प्राइस है और मार्केट प्राइस भी है। सो शैल वी स्टार्ट द बीट? 110 करोड़। 110 करोड़। 110 करोड़। 110 करोड़। 2 120 करोड़। 120 करोड़। 120 crores 1, 120 crores 2, 140 crores, 145 crores, 160 crores. Here we have 160 crores. Thank you, Mr. Saluja. 160 crores 1, 160 crores 2, 160 crores. 170 crores. Guys, 170 crores. 170 crores 1, 180 crores. 190 crores. ये ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा बार बार खराब क्यों हो रही है? मैडम ये ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा नहीं है, टैक्सी है, कार। दिख रहा है कार है, और कितनी अच्छी चल रही है वो भी दिख रहा है। इतना टाइम ले रही है ना, हम कब का पहुंच जाते? ये बार बार खराब हो रही है, इस खटारा में क्यों बिठाया हमें? मैडम मैंने पहले ही आपको मना किया था, आप ही जबरदस्ती आके बैठ गए, कहने लगे चलो देर हो रही है, देर हो रही है। जितनी तेज तुम्हारी जुबान चल रही है ना, उतनी तेज अगर टैक्सी चलती ना, हम कब का पहुँच जाते। मानसून है मैडम, बारिश और प्रॉब्लम कभी भी बरस सकते हैं। अरे मुझे तो लगता है ऐसे सिर्फ बातें बनाना आती है और कुछ नहीं, हम कोई और टैक्सी पकड़ लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ ले लो ले लो, जाने से पहले मैं टैक्सी का भाड़ा दे दूँ, 103 रुपए। 103? एक रुपया नहीं दूंगी मैं तुम्हें, तुमने जो हमारा टाइम वेस्ट किया उसका क्या? तनवी चिक चिक बंद करो और ऐसे इसके पैसे दे दो। मैडम सही बोल रही है। अच्छा ठीक है, जल्दी से ठीक करो, हम वेट करते हैं।
हमसे पंगा ले रहा था। जानता नहीं है कि जब तक हम दोनों साथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही बात ना हमें प्रज्ञा को सिखानी है। उसकी लाइफ में अब तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब वही होगा जो हम चाहेंगे। लगता है मिस्टर सलूजा को ये घर कुछ ज्यादा पसंद आ गया, या फिर उसकी असली कीमत जानते हैं। 220 करोड़, 240 करोड़। ओह माय गॉड, टफ कंपटीशन। 240 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़। थैंक यू मिस्टर सलूजा। 250 करोड़ वन, 250 करोड़ टू, 250 करोड़ थ्री, एंड इट्स सोल्ड टू मिस्टर सलूजा। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर सलूजा, आप इस बंगले के न्यू ओनर हैं। मेरा घर मुझी को बेच रहे, इडियट्स। हमें भी चल के उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। Let's go.